ये सब क्या हो रहा है? मातेश, जंग में आपका बेटा विजेता घोषित हुआ है। अच्छा बेटा विजेता, तुम्हारी इस रणभूमि के नीचे मेरा एक कमरा हुआ करता था, मुझे वो कमरा वापस चाहिए। लगता है अब इस महान योद्धा को धूल मिट्टी के साथ ही लड़ना पड़ेगा। वड्डू, ये क्या हो रहा है कबीर? मैंने तुम्हें झाड़ू लगाने को कहा था, अपने भाई के मुंह से पोछा नहीं। उठो। माँ, करण मुझे फिर से डरा रहा है। करण, तुम क्यों इसे फिर से डरा रहे हो? तुम्हें पता है ना ये थोड़ा डरपोक है। नहीं, नाजुक है। नाजुक? तुम क्यों इसे बार बार तंग करते रहते हो? क्योंकि ये मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है माते। अच्छा चलो अब मिलकर कमरा साफ करो। एंड नो फाइटिंग। सब कुछ तेरी वजह से। तेरी वजह से। गाइस, देखो बहादुर प्रोड्यूसर को इम्प्रेस कर रहा है। ये हम नहीं कर रहे साहब। बहादुर यहीं छोड़ दो। जंग बहादुर, मैं तुम्हें सामान छोड़ने के लिए कह रहा हूँ, ये तुम क्या क्या छोड़ रहे हो? लेकिन मानसिंह जी, ये हम नहीं छोड़ रहे। तुम्हें पता ये कौन है? ये स्विट्जरलैंड की वादियों और हवाओं में शूटिंग करते हैं, इन्हें तुम्हारी हवा की आदत नहीं है। अच्छा छोड़ो, मेरे मतलब जाओ जाओ। करण, तुम्हारी इन सब हरकतों से हम तंग आ गए हैं। तुमने प्रोड्यूसर साहब के सामने हमारा नाक कटवा दिया। हम तुमको नहीं छोड़ेंगे। देखा तुम लोग ने बहादुर को कैसे पोपट बनाया, और रात सुबह कबीर को फट्टू। ए, मैं फट्टू नहीं हूँ, मुझे डर नहीं लगा था। तू तो ऐसे चिल्ला रहा था जैसे तूने कोई भूत देख लिया हो। भूत? अब तुम दोनों ने वो रूम नंबर 613 का भूत दिखा है क्या? इस होटल में भूत है? हाँ। चलो देख ले, चलते हैं। नहीं, मेरा होमवर्क है पीटी का। होमवर्क? वो भी पीटी का? फट्टू गाई का। और वैसे ऐसा है कि जहाँ भूत होते हैं ना, वहाँ धूल मिट्टी बहुत होती है, इसलिए अगर मैं छींक गया तो तुम लोग को बहुत डर लगेगा, इसलिए। भूत नहीं होते यार। गलत, हमेशा की तरह। मैंने उस भूत को देखा है और मैं इतना डर गई थी कि मैंने अपना पर्स वहीं गिरा दिया, और तो और अपना पर्स वहीं छोड़कर आ गई। अब उस पर्स में पैसे तो नहीं हुए होंगे ना? हाँ, कुछ 1-2 हज़ार रुपए। मैं तो भूली गई, उस पर्स में मेरा फेवरेट स्ट्रॉबेरी लटका भी है। ओह माय गॉड, माय गॉड, व्हाट आर यू डूइंग? बी केयरफुल, सारा सामान गिरा दिया। और पता भी है इसके अंदर बहुत कीमती चीजें हैं। करीना चावला के रूम से उसका खाया हुआ आधा केला, बिजली चतुर्वेदी का ये। शोभा जी, ये रूम नंबर 613 कहाँ है? जमीन रूम नंबर 613। वाह, पर हाँ एक बात कान खोल कर सुन लो तुम सब के सब, अगर तुम लोगों को अपनी जान प्यारी है तो भूल कर भी उस कमरे के अंदर मत जाना, अंडर नो सर्कमस्टेंसेस। चलो अंदर जाते। नहीं चलते। एक मिनट, मेरे ख्याल से तुम लोगों का उस रूम में जाना ही बेहतर होगा। ये लो चाबी उस कमरे। अब मैं पहली बता रही हूँ, उस कमरे में भूत है। और उस भूत का नाम था शालिनी, जो बहुत ही खूबसूरत और अमीर लड़की थी। या बिल्कुल मेरी तरह, लेकिन मुझसे कम खूबसूरत, कम अमीर और कम जिंदा। तो मैं कह रही थी कि सन 1972 में शालिनी अपने हस्बैंड के साथ, जो कि एक फिल्म प्रोड्यूसर था,
इस होटल में हनीमून मनाने के लिए आए थे, लेकिन उन्हीं दिनों शालिनी के हस्बैंड की मुलाकात एक दूसरी एक्ट्रेस से हुई और वो दोनों शालिनी को इसी होटल में छोड़कर भाग गए। उसके बाद क्या हुआ? वही जो होना चाहिए था। और उसके बाद जो कुछ भी हुआ ना, बहुत बुरा हुआ। शालिनी के हस्बैंड ने शालिनी की जगह उस एक्ट्रेस को अपनी फिल्म में हीरोइन का ब्रेक दिया। और पता है उस फिल्म का नाम क्या था? भेलपुरी की कसम। और फिर शालिनी इतनी गुस्से में थी कि उसने अपना फेवरेट सिल्वर हेयर ब्रश फेंककर अपने कमरे में लगे शीशे को तोड़ दिया। और तभी एक टुकड़ा उड़ा और कहानी खत्म। पैसा हजम, जाओ, गुड लक, एंजॉय योरसेल्फ। चलो चले हम। तू डिजिटल है, तुम अपने वेल्डिंग मास्क में क्यों घूम रहे हो? ये मेरा नया सुपर हीरो लुक है। तुम लोग चिल्ला क्यों रहे हो? हमें लगा कि तुम भूत हो, लेकिन तुम क्यों चिल्लाए? मैंने कहा सब चिल्ला रहे तो मैं भी ज्वाइन इन कर लेता हूँ, हो सकता है कोई गेम वेम खेल ले हो शायद। क्या तुमने 613 के भूत को देखा है? नहीं, मगर मैंने शोभा जी को बिना मेकअप के मिनी स्कर्ट में घूमते हुए जरूर देखा। खैर मैं चलता हूँ, 613 के भूत से कई गुना ज्यादा डरावनी चीज मेरा इंतजार कर रही है। क्या? 622 का टॉयलेट। दरवाजा खोल ही नहीं रहा है, अब क्या करें? चलो वापस चलते हैं। शालिनी का भूत! भूत नहीं है गाइस, दरवाजा हवा से खुल गया। वाह, क्या वो भूत की तस्वीर है? वो शालिनी की तस्वीर है। ओह, ये देखो, टूटा हुआ शीशा, और ये देखो, मकड़ी का जाला, और वो देखो, दरवाजा। कबीर, रिलैक्स, डरने की कोई जरूरत नहीं। एक मिनट, पर मैं तो हाँ, पर तुम्हें कुछ सुनाई दे रहा है? हाँ, अरे ये तो कबीर के दांतों की आवाज है। कबीर, मुझ पे भरोसा करो, यहाँ कोई भूत भूत नहीं। उस भूत का तो पता नहीं, पर मुझे एक पर्स जरूर मिल गया। थैंक यू वेरी मच। हाँ भाई, क्या है? अरे क्या है? वो आवाज किस बात की थी? शायद शालिनी है। I'm sorry, शालिनी, तुम लिप गॉस ला सकती हो? नानी, मुझे बचाओ! इतना चिल्ला रहे हो कि नीचे गली के डॉगीज भी डरकर चुप हो गए। सिंह जी, क्या आपने यहाँ का भूत देखा है? यहाँ कोई भूत नहीं है। मैंने कहा था ना, अब जल्दी चलो यहाँ से, वरना शालिनी गुस्सा हो जाएगी। मानसिंह जी, अगर आप हमें भूत के बारे में नहीं बताएंगे तो हम आपको दोबारा पूछेंगे होटल की लॉबी में सबके सामने। ऐसा कुछ नहीं करोगे। लगी शर्त? लग गई। अच्छा ठीक है, जो भी तुम कहोगे, लेकिन तुम में से कोई दिल का मरीज तो नहीं है ना? कई अरसों पहले की बात है, जब ये महल बस होटल बना ही था और मेरी यहां नई नई नौकरी लगी थी। अंधेरी रात थी,
और अब की तरह तब भी मैं दिलो जान से काम पर लगा हुआ था। मैंने रूम नंबर 613 के बारे में सुना तो था, लेकिन मैं भूत भूत में विश्वास नहीं करता था। ओ, मानसिंह आज तू तो लग रहा है यहां का महाराज। पर उस दिन मुझे इस कमरे में एक अजीब सी ठंड लगी और फिर अचानक भेलपुरी की सुगंध ने मुझे मोह लिया। मीठी चटनी, आलू, सेव, कुरमुरे, मम्मी, मम्मी की भेलपुरी। मुझे भेलपुरी से नफरत है, उससे मुझे अपने धोखे बाज पति की याद आती है। मान सिंह भाग, नहीं तो तेरी भेलपुरी बन जाएगी आज। उस दिन के बाद ना मैंने भेलपुरी खाई, ना देखी, ना सूंघी। तुझे तो अपना चेहरा देखना चाहिए। मम्मी, देखते हैं तेरा चेहरा एक पंच के बाद कैसा दिखता है। मुझे भूत भूत से डर नहीं लगता, बस मुझे उन लोग की जिंदगी में दखल देना पसंद है। मुझे पसंद है, इसीलिए आज रात मैं और तू रूम नंबर 613 में बिताएंगे। लगी 10 रुपए की शर्त कि तू मुझसे पहले डर के भागेगा। ये शर्त लगा लेता, लेकिन मॉम हमें शर्त लगाने की इजाजत नहीं देती। हाँ बिल्कुल इजाजत नहीं दूंगी। वैसे किस चीज के लिए? मुझे और कबीर को आज रात रूम नंबर 613 में बितानी है, उस रूम में जहाँ भूत है। ओह, तो आपका जवाब ना है। हम आपके इस विचार पूर्वक निर्णय से सहमत हैं। तू तो बस इसीलिए आना नहीं चाहता क्योंकि तू फट्टू है। ओ प्लीज, मैंने तुमसे ज्यादा हॉरर मूवीज देखी है। ओ प्लीज, तेरी तो कार्टून देखने में भी फटकी है। करण, अपने फट भाई को फट्टू मत बोलो। राजा, हम जा सकते हैं? नहीं, तुम दोनों का वहाँ अकेले जाना ठीक नहीं है। लेकिन अगर रानी और विनी भी हमारे साथ हो गए तो हम अकेले नहीं हो गए, है ना? फिर शायद ठीक रहेगा। मॉम, आप इसकी बातों में मत आइए। कैसे ना हो आप? कबीर, तुम वही करो जो तुम्हें सही लगे, और याद रखो ये भूत भूत जैसी कोई चीज नहीं होती। अगर भूत होते ना तो मेरी सासू माँ आज भी मेरे पीछे पड़ी होती। तो तू आज रात मॉम के गोदी में लोरी सुनेगा? नहीं, मैं आज तेरे साथ 613 में पूरी रात बिताऊंगा, और रात खत्म होने के बाद मैं तेरे 10 रुपए से आइसक्रीम खाऊंगा। देखते हैं कौन किसको आइसक्रीम खिलाता है। रानी ने कहा था कि वो हमें यहाँ मिलने वाली है कमरे की चाबी के साथ, उसे बस कुछ छोटा मोटा सामान पैक करना था। अब सॉरी गाइस, मैं थोड़ा लेट हो गई। ये सब कुछ ना इस जंग बहादुर की वजह से। बिल्कुल, हमारा टूटी कमर हमारा गलत। रानी, ये है तुम्हारा छोटा मोटा सामान? हाँ, छोटा सा ही तो है और मोटा भी है। ओके गाइस, अब मैं इस दरवाजे को खोलने वाली हूँ। मैंने चाबी अंदर डाल दी है और अब मैं चाबी को घुमाने वाली हूँ, और अब मैं मरने वाला हूँ। ए, ये तो इतना डरावना नहीं है। चौफर चाकू नहीं, कफर केला है, कोफर कोल्हापुर से खफर खाऊंगी। तुम केले से डरती हो? नहीं,
केले खाने वाले से? बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं, मेरी मम्मी भी ऐसा ही कहती है। देखा, लाइट शालिनी के भूत ने नहीं इस तूफान ने बुझा दी है ना? अरे नहीं नहीं, लाइट तो शालिनी के भूत ने ही बुझाई थी। तुम भी? और आज बरसों बाद शालिनी के भूत को मिलने की मेरी तमन्ना पूरी होगी। आज ही क्यों? क्या आज धरती और चांद के बीच की दूरी में कोई अंतर आया है? नहीं, आज मम्मी तंबोला नाइट खेलने गई है, घर लौटने में देरी होगी, मैं 10 बजे तक बाहर रह सकता हूँ। क्या? मैं प्लग अंदर डालना भूल गया। ओके भूतिया डिटेक्टर मशीन, अब देख के मुझे बताओ क्या तुम्हें इस कमरे में कुछ अजीब महसूस हो रहा है? मेरे अलावा कुछ अजीब महसूस हो रहा है? क्या तुमने वो देखा? अगर तुम उस पेंटिंग की बात कर रहे हो जो अभी अभी जिंदा हुई थी, तो मैंने कुछ नहीं देखा। मैंने लेकिन मैंने देखा, वो शालिनी का भूत था और इस वक्त वो गुस्से में है, इसलिए इस वक्त मैं निकल रहा हूँ। मदद चाहिए जहाँ जंग बहादुर है वहाँ। ओके, अब तुम चार बजे बैग उठाओ, मैं अपने रूम में जाती हूँ। नहीं, मेरा मतलब हमको शालिनी की मदद करनी चाहिए। शालिनी? यानी कि तुम उस भूतनी की मदद करना चाहते हो? ठीक है, मैं करण और कबीर को डराती हूँ, तुम रानी को डराओ। हम मजाक नहीं कर रहे हैं, हमको भूत से भी बात करना आता है। अब हमको ये पता लगाना है कि शालिनी की आत्मा को मुक्ति कैसे दिलाए, फिर वो शायद हमें अपने पुराने हस्बैंड वो प्रोड्यूसर से मिला देगी, फिर हम हीरो बन जाएंगे। तुम लोग चलो, हम अभी आते हैं। लाइट्स ऑफ। फिकर मत करो बाबा, हम साथ जाएंगे और साथ ही। क्या सब उस आत्मा को बुलाने के लिए तैयार हो? लगता है हम आत्मा को नहीं, आत्मा हमें बुला रही है। उसे कहो कि हम घर पर नहीं है। अब सब हाथ जोड़ेंगे, अपने अपने नहीं, एक दूसरे के। सब चुप रहेंगे। भूत नहीं है कोई, नाम उसका शालिनी। हेलो, तुम लोग कितने? लगता है आत्मा वीनी के अंदर से बोल रही है। बेवकूफ हो। मजाक करने वालों को चेतावनी भी दी जाती है। ओ, मुझे डर लग रहा है। मुझे डर लग रहा है सच। ये टेबल ऊपर जा रहा है कि हम नीचे? मुझे यहाँ बुलाने की हिम्मत किसने की? तुझसे पूछ रही है। क्या तुम शालिनी का भूत हो? मेरी आत्मा हमेशा के लिए इस दुनिया में भटकती रहेगी। ओके शालिनी, अब मेरा लिप ग्लॉस तो दे दो। समझ गई, सॉरी। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? जब तुम्हें कोई धोखा देगा तो मैं भी गुस्सा आएगा। क्या?
क्या किसी को भेलपुरी की स्मेल आ रही है? मेरे सामने कभी भेलपुरी का नाम मत लेना। मुझे भेलपुरी बहुत पसंद है, क्या कर लोगी? तिनी कहाँ चली गई? किसी और को कुछ कहना है? नहीं, मुझे तो पसंद ही नहीं ये भेलपुरी। बाबा, बाबा, बाबा! कबीर, मेरे भाई, मैं मामा को क्या कहूँगा? शालिनी, मुझे ऐसा लगता है कि वो जो मेरा स्ट्रॉबेरी पिंक लिप ग्लॉस तुम्हारे पास है ना, वो तुम पर सूट नहीं करेगा। अगर तुम मुझे दे दो तो मैं तुम्हें दूसरा शेड दे दूंगी। चल 10 रुपए निकाल। लेकिन तुमने हाँ, हमने स्पेशल इफेक्ट्स हमारे सबसे प्यारे डिजिटल की बना लाए। थैंक यू मुन्ना, तुम ना भेलपुरी खाया करो, सेहत के लिए अच्छी होती है। ये वाला बटन टेबल के लिए, और पीछे देखो ये वाला खिड़कियों को खड़काने के लिए, और ये वाला दरवाजे के लिए, ये लाइट के लिए, और इनसे मिलिए ये भेलपुरी के लिए। ये कैसा मजाक है? सॉरी करण, तुम तो हमेशा हमारे ऊपर इतना मजाक करते रहते हो, इसलिए हम बस यही सिखाना चाहते थे कि हमें कैसा लगता है। हमें माफ कर दीजिए हमारे प्यारे दोस्त, लेकिन आपको हम पर वो गैस वाले जोक्स नहीं मारने चाहिए थे। हाँ, और तुम्हें ना मेरे कपड़ों में वो खुजली वाला पाउडर नहीं डालना चाहिए था। और हाँ, मेरा वो ब्रजेश खन्ना की तरफ से ना मुझे नकली लव लेटर्स नहीं भेजने चाहिए थे। लव लेटर्स? मैंने कोई लव लेटर्स नहीं भेजे। ओके ओके ओके, वो मैंने किया था। हे, मजाक तुम नहीं, मैं कर रहा था, क्योंकि मैं जरा भी नहीं डरा। अच्छा बच्चू, तुझे तो अपना चेहरा देखना चाहिए था। सर, मैं नीचे इतने इम्पोर्टेंट गेस्ट के साथ डील करी थी, आपको मेरी क्या जरूरत पड़ गई? उसको रोको। करण, 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 अब क्या किया तुमने अपने भाई के साथ? कुछ नहीं, उसने मुझे डराया। सच? हाँ? नहीं नहीं, मेरा मतलब है तुमने करण को डराया। शुक्रिया आने के लिए मिस्टर मानसिंह जी। यही वो शोर शराब है ना जिनकी आप बात करनी थी? माँ, इसने मेरे साथ बहुत गंदा मजाक किया, इसने मुझे बेवकूफ बनाया और डराया भी। कबीर, चलो अपने भाई से माफी मांगो। सॉरी करण, तुम इतने फटू हो कि एक झूठ मूठ के भूत से डर गए। क्या, यह भूत है? नहीं, ये मजाक कर रहे थे, है ना? हाँ हाँ, यहाँ कोई भूत नहीं। ओह सो सैड, मुझे भूत वाले पिक्चर्स बहुत पसंद है। अगर होटल रूम में भूत होता तो लोग ज्यादा पैसे देते वहाँ रहने के लिए। अच्छा, इनका कहने का मतलब कि यहाँ कोई भूत नहीं है, लेकिन रूम के अंदर तो भूतों की लूट लगी हुई है। और वैसे भी होटल में ये दो छोटे भूत तो है ही। 10 रुपए। अबे ओए, तू शर्त के 10 रुपए निकाल।